मुंगेली जिले से वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक आदिवासी युवक के साथ बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। आदिवासी युवक को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर वन विभाग के कर्मचारियों ने मानवता की सारी हदें पार कर डाली। मामला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के क्षेत्र लोरमी वन क्षेत्र का बताया जा रहा है। आदिवासी युवक विशंबर मरावी खुड़िया रेंज के रसबड़ी का रहने वाला है। युवक के अनुसार सुबह 5 बजे उसके घर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों प्रबल दुबे, आशीष बजरंग सहित अन्य कर्मियों ने उसके ऊपर जंगल काटने और हाथी मारने का आरोप लगाते हुए जाति सूचक गालियां देकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। दिसंबर से मरावी कौन मारी से के नाम रामू सिंह गांव सरगड़ी कौन मारी से तो लोग थाना खुड़िया चौकी खुड़िया थाना लोरमी कौन मारी छे प्रकाश दुबे आओ आशीष ओखर संगवा कौन कौन रहने आओ आशीष बजरंग कहां फॉरेस्ट है कहां मारी कुड़िया रेंज है लोरमी रेंज पर रेंज कुड़िया रेंज के काबर मार दे रही ने वो झूठा मुठा इल्जाम पर लगा कर हाथी ले मारे हैं साले जमीन कटवाते हैं 5,000 रुपया लेते हैं और तुम्हारा बाप की रस्म भर गया है मोट मोट चूतर में बहुत ज़्यादा है पिठार में बहुत ज़्यादा है और दोनों कोहनी में जेलर साहब ने बता रहे हाँ बता जेलर साहब ने बस ये बता जेलर का बताए हाँ जेलर में कर सामने कर सामने देख कार्रवाई होना चाहिए उखर खिलाफ हाँ कार्रवाई होना चाहिए सर मेरा तो जान खतरे में है।